कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी उपमंडल के तहत चंबापत्तन में एक व्यक्ति ब्यास नदी में डूब गया है। व्यक्ति की तलाश गुरुवार शाम से जारी है, लेकिन शुक्रवार रात तक भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। जानकारी के अनुसार रैंखा निवासी सुमन कुमार पुत्र स्वर्गीय राजकुमार गुरुवार शाम करीब 6 बजे ब्यास नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि सुमन अपने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ यहां आया था। दोनों ने बैठकर शराब पी और इसके बाद दोनों नदी के पास गए। इतने में अचानक सुमन ब्यास नदी में डूब गया। ये देखकर साथ बैठा व्यक्ति उसे बचाने या मदद को बुलाने की बजाय वहां से डरकर भाग गया। हालांकि दूर से कुछ लोगों ने सुमन को डूबते हुए देखा और शोर मचाया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों ने सुमन को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। शुक्रवार को फिर से तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन सुमन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब मौके पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। शनिवार सुबह फिर से तलाशी अभियान चलाया जाएगा। सुमन कुमार के पिता नहीं हैं और छोटे भाई दुबई में नौकरी करता है। सुमन के डूबने की खबर के बाद से ही घर में मातम छा गया। एसएचओ परमजीत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को करीब गुरुवार शाम 6:30 पर हादसे की सूचना मिली। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया तथा व्यक्ति की तलाश जारी है। वहीं मामले को लेकर लोगों में उस व्यक्ति के प्रति भी भारी रोष है जो मौके से भाग निकला। लोगों ने उस पर भी शक जताया है। हालांकि व्यक्ति ने कहा कि वह काफी डर गया था, इसीलिए मौके से भागा, पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।